अयोध्या में 5 अगस्त को होने जा रहे राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले कांग्रेस पर भी राम भक्ति का रंग चढ़ने लगा है। गौरतलब है कि वर्षों से कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दे पर दूरी बनाकर चलती थी, वहीं भाजपा और अन्य दल कांग्रेस से इस मुद्दे पर अपना रुख साफ करने को कहते थे। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने 2 ट्वीट किए हैं, जिनमें से एक ट्वीट पर राम मंदिर का समर्थन करते हुए उसे राजीव गांधी का सपना बताया है, वहीं दूसरे ट्वीट में भूमि पूजन के समय पर सवाल भी खड़े किए हैं। दूसरी तरफ एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक वीडियो जारी कर राम मंदिर के निर्माण पर शुभकामनाएं दी हैं। मैं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत करता हूं। देशवासियों को इसकी बहुत दिनों से अपेक्षा और आकांक्षा थी। राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है, ये सिर्फ भारत में ही संभव है। इसी के साथ कांग्रेस मध्य प्रदेश में राम मंदिर के भूमि पूजन से एक दिन पहले हनुमान चालीसा का पाठ भी करेगी। यह आह्वान कमलनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं से किया है। कुछ राजनीतिक जानकार इसे मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। हर्ष उपाध्याय, न्यूज़ फर्स्ट।